है दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। इसको प्रीएम्प्ट करना कि आखिरकार किन मुद्दों पर बातचीत होगी, ये थोड़ा असंभव सा होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी टेबल पर बैठते हैं इंटरेक्शन करने के लिए अपने काउंटर पार्ट के साथ में, तो हर स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर, स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। राउंड टेबल विद इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर इस समय हमने देखा जो हुआ है, और इस बात को हम जानते हैं और आपने भी जैसे बताया कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अराइवल हुआ था एयरपोर्ट पर इजिप्ट में, तो इजिप्शियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, और कहते हैं पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, जिस तरह से गले लगे, तो वो दर्शाता है कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी दोनों देशों के रिश्तों के अंदर। और कई सारे जो समझौते हैं या किन सेक्टर्स को बढ़ावा देना है, उन तमाम मुद्दों के ऊपर कई सारे बायलैटरल इश्यूज हैं, बायलैटरल टॉपिक्स हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। हम लेकिन इस बात को जानते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ सेक्टर्स है प्राइमरी, जहाँ भारत और इजिप्ट बहुत बेहतरी के साथ में इंगेज करते हैं, जिसमें प्रोमिनेंट के हम इस बात को जानते हैं कि जो भारत और इजिप्ट के संबंध है इसको एलिवेट किया गया था 2023 के अंदर, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पर इसको एलिवेट भी किया गया था। इम्पोर्टेंट इसलिए भी रहता है क्योंकि बिजनेस के लिहाज से, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूरा फोकस रहता हुआ दिखाई देगा, और ये जो विविधता कहीं ना कहीं डोमिनेट करके दिखाई देगी जहाँ तक बिजनेस की बात की जाए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, क्योंकि प्राइमरीली जो बायलैटरल ट्रेड है वो अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास है दोनों देशों के बीच में, और जो भारत है इजिप्ट का